बड़ी खबर भवानी जो मिल रही है वो दर्शकों को बता देते हैं, भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे अगले राजस्थान के, ये खबर पक्की इस वक्त मिल रही है। यानी कि जो माना जा रहा था ब्राह्मण चेहरे पर भरोसा जताया जा सकता है, यही अब सामने आ रहा है। सबसे बड़ी खबर, भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। भजन लाल शर्मा का नाम यहां पर तय हो चुका है। बिल्कुल, तो 4:18 और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान में सीएम के नाम को लेकर जो सस्पेंस था वो खत्म हो चुका है। और न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भजन लाल शर्मा पर भरोसा जताया गया है, राजस्थान की कमान उन्हें सौंपी गई है, राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होंगे, बीजेपी की तरफ से उन पर भरोसा जताया गया है। और जितने नामों की चर्चा की जा रही थी इसमें वो नाम, ये नाम फिलहाल उस लिस्ट में नहीं था। यानी बीजेपी ने एक बार फिर से सबको चौंकाया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह ही राजस्थान में भी आपको बता दें कि अलग नाम यहां पर सामने आया है, सांगानेर से विधायक है और इन्हें अब राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी गई। तो आखिरकार राजस्थान की गद्दी पर कौन जनता का सेवक बनकर राज करेगा बतौर मुख्यमंत्री, वो सामने आ चुका है। भजन लाल शर्मा के नाम पर मुहर लगी है, जो महामंथन हुआ, जो बैठक यहां पर हुई, आखिरकार वो चेहरा राजस्थान की जनता के सामने आ गया है, देश की जनता के सामने आ गया है। भजन लाल शर्मा के तौर पर सांगानेर से विधायक है भजन लाल शर्मा। और ये बहुत बड़ी खबर है, आपको बता दें इस बार अशोक लाहोटी का टिकट काटा गया था, भजन लाल शर्मा पर भरोसा जताया गया था। अब ऐसे में यही स्ट्रैटेजी जरूर भारतीय जनता पार्टी की रही होगी। आपको मैं ये भी बता दूं कि एक बार फिर से ये तस्वीर जरा आप पहले देख लीजिए, भजन लाल शर्मा ये नए मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान के, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिन्हें पर्यवेक्षक बतौर नियुक्त किया गया। साथ में आप देखिए सीपी जोशी जरूर साथ में मौजूद है, जोशी भी चूंकि ये भी ब्राह्मण समाज से ही आते हैं, लेकिन ये बड़ा दाव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने। अब आप देखिए भजन लाल शर्मा और गर्म जोशी से हर कोई उनका स्वागत करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं, जयपुर बीजेपी दफ्तर में देखिए अब नए मुख्यमंत्री का वहां पर स्वागत किया जा रहा है। भजन लाल शर्मा को इस बार कमान सौंपी गई है और बीजेपी ने एक बार फिर से सबको सरप्राइज कर दिया है। ये कहा जा रहा था कि सामान्य वर्ग से कोई हो सकता है, लेकिन नाम किसका होगा इस पर लेकर सस्पेंस काफी ज्यादा था और अब ये सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी के महामंत्री हैं भजन लाल शर्मा और उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है। और जाहिर तौर पर जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, बीजेपी ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के साथ ही। तो वो सरप्राइज यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर भजन लाल शर्मा का नाम बतौर मुख्यमंत्री आ चुका है, वो नाम सामने आ चुका है जो सर्वसम्मति से आखिरकार अब जनता के बीच में बतौर मुख्यमंत्री होगा। और जैसा कि हम ये भी मान रहे हैं कि बीजेपी अगर किसी का नाम यहां पर सामने लाती है तो वो एक रणनीतिक तहत पर जनता की स्वीकारिता और विधायकी उसकी कैसी रही है, क्या उसका पूरा ऐतिहासिक सियासी सफर रहा है, सब कुछ देखा जाता है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ तो ये कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। भवानी आपके पास हम आ रहे हैं, वहां पर कार्यकर्ताओं में भी जोश है, क्या जश्न भी मनाना शुरू कर दिया है, भजन लाल शर्मा चौंका दिया बीजेपी ने फिर से? देखिए बिल्कुल चौंकाया है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की नाराबाजी चल रही है और आप देखिए कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर जैसे ही नाम का अनाउंस हुआ उसके बाद में भजन लाल शर्मा जो भजन लाल शर्मा ने जो 35 साल से मेहनत करी पार्टी के लिए, पार्टी ने उनको इतना अच्छा नाम दिया है, पूरी राजस्थान से भजन लाल शर्मा पूरे राजस्थान का विकास करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, सबका विकास करेंगे, मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे और मोदी जी के सारे कार्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे। देखिए जिस प्रकार भजन लाल शर्मा एक संगठन के नेता हैं और पार्टी के भी नेता रहे हैं, उस प्रकार से आज उनको ये मौका प्रधानमंत्री और शीर्ष नेतृत्व ने जो दिया है उसको भजन लाल शर्मा जी हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान पार्टी के। और जिस तरह से कांग्रेस के शासन काल में भ्रष्टाचार व्याप्त था, महिलाओं का उत्पीड़न होता था, उस पर अब अंकुश लगे। माननीय राजनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री प्रेस के लिए जाके मुख्यमंत्री दल के नेता वापस आएंगे, उसके बाद आप उनका स्वागत सत्कार कीजिए, अभी प्रेस के लिए जाने दो। तस्वीरें आप
आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं भजनलाल शर्मा, जिन्हें नियुक्त किया गया है मुख्यमंत्री राजस्थान के लिए। एक बार फिर से ये भी साफ हो गया कि संघ से जो जुड़ाव रखता है, और ये वो चेहरा है भजनलाल शर्मा जो संघ से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, विचारधारा को देखते हुए भी जरूर उनके नाम का ऐलान किया गया होगा, लेकिन वहां पर जरूर वो क्या कहते हैं, वो मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद उनका क्या कहना है, ये भी सुनने के लिए वहां पर पत्रकारों का भी जमावड़ा है, होड़ है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका रिएक्शन भी जरूर यहां पर सामने आएगा। सर, आपका नाम अनाउंस हुआ सर। धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको? अहम यहां पर हो सकता है। ग्राउंड जीरो पर सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी भवानी बने हुए लगातार। भवानी, क्या तस्वीरें वहां पर आप दिखा रहे हैं, किस तरीके से उनके नाम का, भजनलाल शर्मा के नाम का जश्न मनाया जा रहा है वहां? बिल्कुल, ये जो तस्वीर है हमने दिखाई, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने जो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं उनके माता पिता से बात की। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान उनके घर पर पहुंचा और उनके जो माता पिता थे उनसे बात की, क्योंकि मैं जब यहाँ पहुंचा था तो भजनलाल शर्मा के जो माता पिता थे दोनों ही, वो भजन की जो एक प्रक्रिया थी वो कर रहे थे, लगातार भगवान से उनकी जो आराधना थी वो लगी हुई थी कि हमारे जो बेटे का नाम है वो भी शामिल है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस तरह की जो उम्मीद थी उनकी वो नजर आ रही थी, और ये उम्मीद जो है वो पूरी हुई है। भजनलाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब जैसे ही ये खबर मिल रही है लोगों के जो पहुंचने का सिलसिला है, देखिए कि भजनलाल शर्मा आपको जैसे ही मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हुआ, बाहर समर्थकों की भीड़ जमा हो गई, दूर दूर तक आप जहां देखेंगे वहां समर्थक बड़ी संख्या में आ गए हैं यहां पर भजनलाल शर्मा को लेकर। जैसे ही मुख्यमंत्री का, क्या कहेंगे इधर ही आप, क्या कहेंगे भजनलाल जी शर्मा को? एक राउंड की भजनलाल जी हमारे नेतृत्व कर रहे हैं, ये पहली बार विधायक चुने गए, वो संगठन के मजे हुए और कार्यकर्ता हैं। देखो, ये पहली बार विधायक है, लेकिन आपको बात बता दूं कि इनके राजनीतिक संघर्ष का इतिहास कम से कम 40 से 50 साल पुराना है। मैं आपको बता दूं कि वो हमारे कार्यकर्ताओं के, देखिए नए मुख्यमंत्री के लिए गाड़ी आ गई है भजनलाल शर्मा के लिए, ये कार जा रही है यहाँ पर, और आप पार्टी दफ्तर के अंदर, और मोदी, ये नए मुख्यमंत्री की कार भजनलाल शर्मा के लिए, राजस्थान के नए सीएम के लिए, वो आप देखिए कि, तो अब नए मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा विधायक दल के नेता के रूप में बाहर आएंगे और राजभवन जाएंगे। हम आपको दिखा रहे हैं भवानी का, एक बार फिर से रुक करेंगे, अब से थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होगी, बकायदा यहां पर जो रिएक्शन है वो भी भजनलाल शर्मा का जरूर सामने आएगा। आपको एक बार फिर से ये भी बता दें, ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। माननीय वसुंधरा राजे जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुधीर जोशी जी, माननीय तावड़े जी, मेरा आप सबसे अनुरोध है, शांति रखिए। अब आगे की कार्रवाई के लिए मैं आभार में आप सभी के सामने माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय करता हूँ कि कृपया आगे बढ़ाए। जरा हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी आज के विधायक दल की बैठक के केंद्रीय पर्यवेक्षक के नाते आकर जो बैठक में संपन्न हुआ उसकी जानकारी आपके द्वारा सभी जनता तक देंगे माननीय राजनाथ जी। आप यहाँ हो ना, मैं पीछे जाऊँ तो ले गया।
तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जरूर देखिए स्थिति वहां पर इसीलिए ऐसी दिखाई दे रही है क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा था भजनलाल शर्मा को नियुक्त किया गया है, मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल से पर्दा उठ गया है, सबके सामने वो चेहरा आ चुका है भजनलाल शर्मा जो भरतपुर के रहने वाले हैं, ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और इसी से जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी खबर भी आपको बता दें, जैसा पहले भी न्यूज़ एजेंट इंडिया ने अपने